हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विद हसन भाई में। आज हम होम्योपैथी मेडिसिन डिजिटेलिस परप्यूरिया के बारे में बात करने वाले हैं। इस मेडिसिन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इसका कॉमन नेम है फॉक्स ग्लो। इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनमन। स्ट्रोफुलेरिएसी फैमिली की मेडिसिन है ये। इसके एक्शन की बात करते हैं तो इसका बहुत अच्छा एक्शन हमें हार्ट में, सर्कुलेशन में, जीआईटी में एंड न्यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमें कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन देखने को नहीं मिलता, बट अगर कोई इसका चिल्ड्रन है तो उसमें लाइट हेयर देखने को मिलेंगे, स्क्रोफुलस डायथेसिस होगी, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है। और वो पीपल जो क्लाइमेक्ट्रिक एज के हों उन पर मेडिसिन बहुत सूटेबल होती है। क्लाइमेक्ट्रिक एज मीन्स मेनोपॉजल एज, जैसे कोई वुमेन है मेंसेस आने बंद हो गए तो उस एज को हम यूजली क्लाइमेक्ट्रिक एज में कंसीडर करते हैं, 50 above 50 years, ठीक है। इसका हार्ट कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है विदाउट वल्वुलर कॉम्प्लिकेशन के। ब्लूनेस देखने को मिलती है हमें स्किन में, साइनोसिस देखने को मिलता है आईलिड्स में, लिप्स में, टंग में, नेल में। इसका पर्सन बहुत ज़्यादा चिली होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर को लेके, कोल्ड वेदर को लेके, कोल्ड फूड ड्रिंक, इन सारी चीज़ों से हमें इसके कंप्लेंट्स एग्रवेट हुए दिखते हैं। इसमें हमें सोरा एंड साइकोसिस में आज देखने को मिलता है, स्क्रोफुलस डायथेसिस होती है पर्सन में। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं तो इस पर्सन में हमें क्या देखने को मिलता है, स्लाइट एग्जर्शन से प्रोस्टेशन देखने को मिलता है, मतलब अगर हल्का सा भी वर्कआउट किया है तो बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलती है हमें। और इस पर्सन में ऐसा सेंसेशन आता है कि अगर इसका पर्सन ना मूव करेगा तो इसकी हार्ट जो ना बीट करना बंद कर देगी, हार्ट मतलब पंप करना बंद कर देगी, तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो ये मूव भी नहीं करना चाहेगा। और मोशन से हमें इस पर्सन में ऑलमोस्ट कंप्लेंट्स में एग्रवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। स्लो, वीक, इरेगुलर, इंटरमिटेंट पल्स देखने को मिलती है, स्पेशली कौन कौन सी, 3rd, 5th and 7th beat में। कैसी मिलेगी पल्स, इरेगुलर होगी, बहुत स्लो होगी एंड वीक होगी। इसकी वजह से क्या होगा, पर्सन में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, इसकी वजह से स्किन में ना ब्लूनेस देखने को मिलेगी, साइनोसिस मिलेगा, लिप्स में, नेल में, टंग में जो है ना नीला पड़ जाएगा और पूरी स्किन जो है ना ठंडी पड़ जाएगी, फेस बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, पेल कलर का हो जाएगा, ठीक है, और पूरा शरीर ठंडे पसीने से कवर रहेगा। और इसके पर्सन में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, डेडली सिंकिंग फीलिंग देखने को मिलती है हमें स्पेशली एपिगैस्ट्रिक रीजन में। इसके साथ हमें नॉजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलती है पर्सन में स्मेल ऑफ फूड की वजह से। इसके पर्सन में रेस्पायरेशन मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलती है, ये सांस ना मतलब बहुत खींच खींच के लेता है, डीप ब्रीथ देखने को मिलती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का एलिमेंट फॉर्म क्या होता है, मतलब इन सारी चीज़ें हमें किसकी वजह से देखने को मिल सकती हैं, अल्कोहल कंज्यूम करता हो पर्सन, हाई लिविंग स्टाइल हो मतलब रईसों जैसे ज़िंदगी जीता हो, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, टोबैको की वजह से, ये सारी कंप्लेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब हम इसके माइंड की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, डर देखने को मिलेगा। इसको ऐसा लगेगा कि इसका हार्ट इतना ज़्यादा पैल्पेट कर रहा है, इसका पर्सन जो है ना अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो मर जाएगा। इसमें इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा डर देखने को मिलेगा, इसके पर्सन में बहुत ज़्यादा फियर होगा, ठीक है। इसका इतना ज़्यादा पैल्पिटेशन होता है ना कि इसमें उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ग्रीप भी देखने को मिलेगा। इसका पर्सन जो होता है म्यूजिक को भी बेयर नहीं कर सकता, अगर मान लीजिए कोई म्यूजिक बज रहा है तो इसके जो भी कंप्लेंट्स हैं ना सब एग्रावेट हो जाएंगे, हमें इसके कंप्लेंट्स बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ऐसा हमें म्यूजिक में और किस में देखने को मिलता है, नेट्रम सल्फ, नेट्रम कार्ब, एथुजा साइनेपियम, ग्रेफाइटिस, इनके भी पेशेंट जो होता है ना म्यूजिक से कंप्लेंट्स एग्रावेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका पर्सन जो होता है ना बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल होता है, मतलब कोई भी चीज़ें बहुत आसानी से भूल जाएगा, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, मतलब चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पाता है, सोचने में भी बहुत टाइम लगता है, कोई भी चीज़ अगर सोच रहा है तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलेगी हमें। अब हम इसके हेडेक की बात करते हैं तो यूजुअली हेडेक इस पर्सन को होता क्यों है, उसका कॉज क्या होता है। तो अगर कोई पर्सन है अल्कोहल कंज्यूम कर ले, ठीक है,
या तो हाई लिविंग स्टाइल हो रहा है, इस वजह से ज़िंदगी जी रहा हो, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से टोबैको का यूज कर रहा हो, तो उसकी वजह से हमें इसमें हेडेक देखने को मिलेगा। ठीक है, लोकेशन क्या होगा हेडेक की, कि हेडेक किस एरिया में होगा, स्पेशली हमें फोर हेड में एंड टेम्पल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, थ्रोबिंग हेडेक होगा फोर हेड में विथ स्टिचेस देखने को मिलेंगे, स्टिचिंग पेन होगा फोर हेड एंड टेम्पल्स में। और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा इसमें हमें, एग्रावेट होगा इसकी सारी प्रॉब्लम सिटिंग से, सिटिंग इरेक्ट से, मोशन से, म्यूजिक से, इन सारी चीज़ों से जो है ना इस पर्सन में हमें एग्रावेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए पर्सन म्यूजिक सुन रहा है तो इसका हेडेक बढ़ जाएगा, पर्सन बैठा हुआ है तब भी हमें इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, मोशन कर रहा उसकी वजह से एग्रावेशन देखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट की वजह से, कुछ खा रहा है तब भी। ठीक है, और इसके हेडेक का कैरेक्टर कैसा होगा, तो इसको थ्रोबिंग पेन देखने को मिलेगा हमें फोर हेड में, इसके साथ स्टिचेस मिलेंगे फोर हेड में एंड टेम्पल्स में। ठीक है, और इसको ऐसा सेंसेशन हो जाएगा कि क्रैकिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, जैसे कुछ टूट रहा हो वैसा सेंसेशन हमें हेड में देखने को मिलेगा। और इन सारे सिम्टम्स के साथ और क्या देखने को मिलता है हमें, फेंटनेस देखने को मिलती है। ठीक है, वर्टाइगो देखने को मिलता है विथ एंजाइटी एंड फेंटनेस। अब हम इसके एम्ब्लोरेशन की बात करें कि पर्सन को अच्छा कब लगेगा, प्रेशर से, फ्रिक्वेंट प्रोफ्यूज मिक्चुरेशन मतलब प्रोफ्यूज यूरिनेशन से, अगर उसका स्टमक एम्प्टी है तब, मतलब खाली पेट से, ओपन एयर से इस पर्सन को अच्छा लगेगा। ठीक है, हेडेक के कंप्लेंट्स में रिलीफ मिलेगा। अब हम हार्ट की बात करें तो हमने पहले ही बात की थी कि ये हार्ट ट्रबल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। थर्ड फिफ्थ सेवन्थ बीट जो है ना इरेगुलर होती है, वीक होती है, इंटरमिटेंट होती है। और हार्ट ट्रबल का कॉज क्या हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, हाई लिविंग स्टाइल की वजह से, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, टोबैको की वजह से। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इसके किसी भी कंप्लेन का कारण अल्कोहल, हाई लिविंग, सेक्सुअल एक्सेस एंड टोबैको है। ठीक है, एंड हार्ट ट्रबल्स में हमें मोशन की वजह से भी इसके ट्रबल्स क्या होते हैं, बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें सेंसेशन क्या देखने को मिलेगा कि अगर इसका पर्सन जो है ना अगर मूव करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि इसका हार्ट जो ना पंप करना बंद कर देगा। ठीक है, हार्ट जो है बीट करना बंद कर देगा, इसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक होगा विदाउट एनी वल्वुलर कॉम्प्लिकेशन के। और इसके हार्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी चेस्ट रीजन में स्पेशली, और इसका पर्सन जो है ना इतना ज़्यादा वीकनेस लगेगा कि वो बात तक नहीं करना चाहेगा, वो बात तक भी करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, या आप उससे करें तब भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, ये स्पेशली हमें क्लाइमेट्रिक एज के पर्सन में देखने को मिलेगा आफ्टर 50 ईयर, हल्के से भी मोशन से इसमें एग्रावेशन देखने को मिलेगा। हार्ट का जो एक्शन होगा ना बहुत ज़्यादा फीवल होगा, लीस्ट मोशन से एग्रावेट हो जाएगा, हर थर्ड फिफ्थ एंड सेवन्थ बीट जो होगा ना इंटरमिटेटिंग होगी, पल्स फील इरेगुलर, वेरी स्लो एंड वीक देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्ट रीजन्स में जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी पेरिकार्डियम के पास भी। और इसके साथ और क्या देखने को मिलेगा, फ्राइटफुल स्टिचेस इन रीजन ऑफ हार्ट जो कि हर 15 मिनट में रिपीट होंगे और ये 5 से 6 सेकेंड के लिए स्टेबल रहेंगे, मतलब फ्राइटफुल स्टिचेस हार्ट रीजन में देखने को मिलेगा हमें, हर 15 मिनट में आएंगे और लास्टिंग ओनली 5 या 6 सेकेंड हर एक बार में। ठीक है, इन सारे सिम्टम्स के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, फेटल सिंकोप में अकर व्हेन बीइंग रेज टू अपराइट पोजीशन, अगर अपनी पोजीशन से हट रहा तो फेटल सिंकोप, मतलब क्या होता है इसका, सिंकोप का टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा क्योंकि इस पर्सन का जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना लो हो गया है, फॉल इन ब्लड प्रेशर की वजह से कॉन्शियसनेस में, मतलब इसका पर्सन होश में नहीं रहेगा कुछ समय के लिए। इन सारे सिम्टम्स के साथ हमें नर्वस वीकनेस देखने को मिलेगी, फीलिंग ऑफ फेंटनेस देखने को मिलेगी, सिंकिंग फीलिंग देखने को मिलेगी, इसका पर्सन बात तक करना वियर नहीं कर पाएगा, फेस पेल हो जाएगा, डेथली लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ब्लू रेड स्किन हो जाएगी, आईलिड्स, लिप्स और टंग भी जो है ना साइनोस देखने को मिलेंगे, वेंस जो है ना जैसे ईयर लिप्स टंग की डिस्टेंडेड हो जाएंगी, रेस्पिरेशन इरेगुलर देखने को मिलेगा, बहुत डीप ब्रीथ करेगा इसका पर्सन, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, गहरी गहरी सांस लेगा। ठीक है, अब हम इसके किडनी सिम्टम्स की बात करते हैं तो किडनी सिम्टम्स का भी कॉज क्या होगा, अल्कोहल की वजह से, हाई लिविंग स्टाइल, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से या टोबैको एब्यूज़ करने की वजह से इसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है,
इस पर्सन में जो है ना रीनल डिसऑर्डर की वजह से ड्रॉपसी एसोसिएटेड रहेगा ब्राइट डिसीज से है स्कारलेटिना से, ठीक है। इसके पर्सन में और क्या देखने को मिलेगी, ड्रॉपसी जो है ना इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, एक्सटर्नल पार्ट में भी। फ्रिक्वेंट अर्जिंग होगी यूरिन पास आउट करने की, और यूरिन एक टाइम पे बहुत कम मात्रा में पास होगी, मतलब बहुत कम। और अगर ये तुरंत यूरिन पास किया है ना उसके बाद भी हमें इसमें देखने को मिलेगा कि इसका पर्सन तुरंत तुरंत यूरिन पास आउट करना चाहता है, फ्रिक्वेंट डिजायर होगी इसको यूरिन पास आउट करने की, ठीक है। यूरिन बहुत स्कैंटी थिक एंड टर्बिड होगा, इसको ना ब्लैडर ऐसा लगेगा कि भरा हुआ है। इवन उसने तुरंत अगर यूरिन पास आउट किया उसके बाद भी हमें यही सिम्टम देखने को मिलेगी, बर्निंग होगी यूरेथ्रा में, येलोइश डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, प्यूलेंट थिक एंड येलोइश डिस्चार्ज, ठीक है। इसके स्टूल की बात करते हैं तो वायलेंट डायरिया देखने को मिलता है, स्पेशली ड्रंकार्ड में, ठीक है। और उसके बाद स्टूल जो है ना लाइट कलर का होता है, वाइट कलर का देखने को मिलता है, डिले चौकी कलर्ड होता है, इनवॉलेंट्री एंड पाइप स्टेम स्टूल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसके जनरल मोडालिटी की बात करें तो इसमें एग्रावेशन हमें सिटिंग की वजह से, स्पेशली सिटिंग इरेक्ट पोजिशन में, म्यूजिक की वजह से, मोशन की वजह से देखने को मिलेगा। नाइट में भी इसका एग्रावेशन ज़्यादा हो जाता है। और इस सिम्टम्स में एम्ब्लोरेशन कब देखने को मिलेगा, जब इसका स्टमक एम्प्टी हो, मतलब खाली पेट में पर्सन को अच्छा लगेगा इसके हर कंप्लेन में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।